नमस्कार साथियों, मैं अभिवन स्टॉक मार्केट मंत्रा के डेली डोज में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम जानेंगे बाजार में आज कैसे हलचल रही, किन सेक्टरों में तेजी देखने को मिले, किन सेक्टरों में मंदी हुई, साथ ही बनाएंगे कल के लिए रणनीति और जानेंगे कुछ अहम स्टॉक्स जो कल के लिए आप रडार पर रख सकते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। निफ्टी 112 पॉइंट चढ़कर 15,800 के ऊपर बंद होने में सफल रहा। गेन का जो मेन कारण था वो रियलिटी सेक्टर और मेटल्स के कारण था। वही बैंक निफ्टी 400 पॉइंट के गेन के साथ हुआ। यूरोपियन मार्केट अभी मामूली से बढ़त के साथ 15,663 पे ट्रेड कर रहा है। वही डाउ फ्यूचर मामूली सी बढ़त के साथ 14,700 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। गोल्ड अभी फ्लैट ट्रेड कर रहा है 47,300 के पे। वही क्रूड ऑयल अपने 2.5 साल के हाई पे ट्रेड कर रहा है अहेड ऑफ ओपेक प्लस मीट का। सिल्वर अभी 70,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है 143 पॉइंट गिरकर। वही अमेजन में जेफ बेजोस स्टेप डाउन कर दिए हैं, आज से नए सीईओ एंडी जेसी होंगे। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज गैप अप ओपनिंग दिखाया। आज ओपन करीब 15,800 के लेवल पे हुआ और वहां से एकदम नैरो रेंज बाउंड ट्रेड दिखाया। आप देख सकते हैं ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं देखने को मिला। सेम सेंसेक्स में हुआ, गैप अप ओपनिंग के बाद एकदम नैरो रेंज में ट्रेड करते रहा। अगर मेजर इंडेक्स की बात करें तो आज बैंक निफ्टी में करीब 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली, 400 पॉइंट की उछाल देखने को मिली और 35,200 के ऊपर बंद होने में सफल रहा है। वही मिड कैप की बात करें तो 0.5% की तेजी देखने को मिली, स्मॉल कैप में 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो निफ्टी 500 में 321 स्टॉक आज तेजी देखने को मिला, वही 178 स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है। अगर सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो आज सबसे ज्यादा तेजी निफ्टी रियलिटी सेक्टर में देखने को मिला, करीब 3% का तेजी देखने को मिला। इंडिया बुल्स, रियल एस्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टी, डीएलएफ, शोभा, ये सब बढ़ने में सबसे आगे थे। वही मेटल्स में आज तेजी देखने को मिला, हिंद कॉपर, वेदांता, हिंडालको, मोयल। ग्लोबल रिकवरी के बाद इसमें तेजी देखने को मिल रहा है। निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी आज 1% की तेजी देखने को मिली है। अगर लूजर्स की बात करें तो आज कुछ ज्यादा गिरावट हुई नहीं है, हल्की से प्रॉफिट बुकिंग आईटी में हुआ। एम्फेसिस करीब 2% टूटा, टेक महिंद्रा 1% की टूटा, पाइंट्री 1% के आसपास गिरा। वही फार्मा में कोई ज्यादा गिरावट नहीं देखने, बस मामूली से 1 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। बायोकॉन हल्का सा गिरावट 1% का दिखाया, डॉक्टर रेड्डी लैब्स 1% के आसपास गिरा, सिप्ला, टोरेंट फार्मा, इन सब में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक्स की बात करें तो टॉप गेनर्स मुथूट फाइनेंस, IRCTC, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, टाटा पावर, पीडी लाइट, गोदरेज प्रॉपर्टी, इन सबों में आप तेजी देखने को मिली है। वही लूजर्स की बात करें तो NMDC, अडानी इंटरप्राइजेज, एम्फेसिस, ग्रेनवल्स इंडिया, इन सबों में हल्की गिरावट देखने को मिली। ग्रेनवल्स कल की बढ़त के बाद आज हल्के से प्रॉफिट बुक देखने को मिली। निफ्टी 500 स्टॉक्स की बात करें तो बढ़ने वाले में HFCL, KRBL, अवंती फीड्स, DB कॉरपोरेशन, IFCI, महिंद्रा हॉलीडे, इन सब में आज तेजी देखने को मिली है। KRBL और अवंती फीड्स हमारा कॉल भी था, देख सकते हैं 15% से ज़्यादा का तेजी देखने को मिला है। वही लूजर्स की बात करें तो अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस, सद्भाव इंजीनियरिंग, NMDC, इन सबों में गिरावट देखने को मिली। इंडिगो रेमेडीज कल के बढ़त के बाद आज इसमें करीब 3% के गिरावट देखने को मिली। वॉल्यूम सॉकर की बात करें तो चैलेट होटल, सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स, SIL इन्वेस्टमेंट, स्पेंसर रिटेल, कोठारी पेट्रोल केमिकल्स, इन सबों में आज ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिली अपने एवरेज से। अगर स्टॉक्स टू वॉच की बात करें तो आप अपने रडार पे इसमें से 5 स्टॉक को रख सकते हैं, जिसमें से नाम होगा DP वॉयर्स का, महिंद्रा हॉलीडेज, ऑन मोबाइल ग्लोबल, कल के तेजी आज भी एक्सटेंड करते गया, 15% आज भी तेजी देखने को मिला। सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स, चमनलाल सेटिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, चैलेट होटल, इन सब को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें, वायदा बाजार में किन शेयरों में ट्रेडर्स का रुझान बढ़ा है तो NMDC, SBI, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, हिंडालको, GMR इंफ्रा, इन सबों में ट्रेडर्स का रुझान बढ़ा है। अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ऑप्शन का डेटा आज इंटरेस्टिंग बना है, आज पुट राइटिंग दबा के हुआ है मार्केट में। आप देख सकते हैं आज सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग
15,800 के ही लेवल पे हुआ है, 36 लाख ओपन इंटरेस्ट जुड़ा है और 15,700 के लेवल पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है 65 लाख का। तो आज पुट राइटर्स हेवी थे। और वही अगर बात करें कॉल राइटिंग का तो देख सकते हैं 15,800 के लेवल पे 12 लाख कॉल राइटर्स टूटे हैं और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट 58 लाख का 16,000 के लेवल पे है। तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो रहा है, 15,800 और 16,000 ये लेवल बन रहा है कल के ट्रेडिंग के लिए। जो हम लेवल बताएंगे आगे टेक्निकल्स भी ऐड करके वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आज सेम डेटा बना है। आप देख सकते हैं कॉल में जो 35,000 के लेवल पर है वहाँ पर कॉल्स राइटर खत्म हुए हैं, अपना पोजिशन को स्क्वायर ऑफ किए हैं, 11 लाख का पोजिशन कम हुआ है। अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो देखिए 36,000 के लेवल पे जो कि 800 पॉइंट दूर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है और सबसे ज़्यादा पोजीशन भी वहीं खड़ी है, 60 लाख का ओपन पोजीशन खड़ा है और 35,500 के लेवल पे 53 लाख का ओपन पोजीशन है। वही पुट राइटिंग की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग 40 लाख का 35,000 के लेवल पर हुआ है। देख सकते हैं आज गजब का आज पुट राइटिंग हुआ। वही ओपन पोजीशन की बात करें तो 35,000 के लेवल पे 60 लाख का अभी ओपन पोजीशन है, 34,500 के लेवल पे 50 लाख का। तो पुट राइटर्स अभी ज़्यादा हैं, नीचे सपोर्ट का ही काम तगड़ा करेंगे मार्केट के लिए। अगर उसी का ग्राफिकल चार्ट देखें तो देख सकते हैं पुट राइटिंग में कितना ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। रेड बार जो है पुट का देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट है 15,700 के लेवल पे, उसके बाद से 15,800 के लेवल पे है, कॉल राइटर 16,000 के लेवल पर है। तो जो रेंज बन रहा है आप देख सकते हैं ये रेंज मेनली बन रहा है ट्रेड के लिए। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं पुट राइटर सबसे ज़्यादा है 35,000 के लेवल पे, उसके बाद से कॉल राइटर 35,500 के लेवल पे हैं। तो जो रेंज बन रहा है वो 30,000 से 35,000 का बन रहा है। वही FII और DII एक्टिविटीज़ की बात करें तो FII का अभी बिकवाली बंद नहीं हुआ, हाँ ये हुआ है कि कल के कंपेरिजन और अदर्स डे के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम बिकवाली किया है। आज मामले 330 करोड़ के आसपास का बिकवाली किया है। DII आज भी खरीदारी किया है करीब 650 करोड़ का। वही इंडेक्स फ्यूचर में भी FII ने बिकवाली किया है 133 करोड़ का। ऑप्शंस का डेटा तो हेजिंग के लिए होता है मेनली। स्टॉक फ्यूचर में आज खरीदारी किया है, मतलब स्टॉक्स में FIIs का रुझान बढ़ रहा है, 1370 करोड़ का खरीदारी किया है। इस कारण आज देख रहे थे मार्केट में आज गिरावट नहीं देखने को मिली। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन की बात करें FIIs की तो 75% से घटकर 73% पे आई है। इंडिया विक्स अभी 12 पे है, स्टेबल है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिलेगा ये बता रहा है। फ्यूचर पुट कॉल रेशियो हल्की सी बढ़त देखने को मिली है, 1.09 से 1.25 पे गया है, ये अभी स्टेबल ही है, ज़्यादा अभी ऊपर रेंज पे नहीं गया है। स्टॉक इन बैन की बात करें तो नेल्को एंड PNB बैन में बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डेटा की बात करें सपोर्ट है तो 15,700 पे अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है। 15,730 पे आप पहला सपोर्ट रख सकते हैं, दूसरा 15,600। रेजिस्टेंस की बात करें तो 15,890 पे पहला रेजिस्टेंस, दूसरा 15,960। स्मॉल रेंज की बात करें तो 15,700 से 15,890 या इसको 900 भी कर सकते हैं आप। बिगर रेंज की बात करें तो 15,600 से लेकर 16,400 पॉइंट का बड़ा रेंज है। बैंक निफ्टी की बात करें तो पहला सपोर्ट 34,900, दूसरा सपोर्ट 34,650। वही रेसिस्टेंस की बात करें तो 35,420 पे पहला रेसिस्टेंस है, दूसरा 35,600 पे। स्मॉल रेंज की बात करें तो 34,900 और 35,400। और बिगर रेंज की बात करें तो 34,600 से लेके 35,600, 1,000 का बड़ा रेंज। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।